स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शाहिद लतीफ जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शाहिद लतीफ जी के डायरेक्शन में सबसे पहली मूवी आई थी 1948 में, जिसका नाम था जिद्दी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे देवानंद, कामिनी कौशल, कुलदीप कौर। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 55 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। शाहिद लतीफ जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1948 में, जिसका नाम था शिकायत। इस मूवी में लीड कास्ट में थे श्याम निगार सुल्ताना, राज मेहरा, सुनालिनी देवी, आगा हमीद भट्ट। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। शाहिद लतीफ जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1950 में, जिसका नाम था आरजू। इस मूवी में लीड कास्ट में थे दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, शशिकला, नीलम, चंदाबाई और जाहिद। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 45 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1951 में, जिसका नाम था बुजदिल। इस मूवी में लीड कास्ट में थे निम्मी, किशोर साहू, कन्हैया लाल, सोनालिनी देवी, रतन कुमार और प्रेमनाथ मल्होत्रा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1952 में, जिसका नाम था शीशा। इसको डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अमर नरगिस, अचला सचदेव, कुमकुम, बिमला कुमारी और सज्जन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। शाहिद लतीफ जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1953 में, जिसका नाम था फरेब। इस मूवी में लीड कास्ट में थे किशोर कुमार, जोहरा सहगल, शकुंतला, ललिता पवार और अमर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी 1954 में आई थी, जिसका नाम था दरवाजा। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शेखर, श्यामा, नासिर हुसैन, प्रतिमा देवी और लीला मिश्रा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1955 में, जिसका नाम था सोसाइटी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे इफ्तिखार, निम्मी, कुमकुम, विक्रम कपूर और नासिर खान। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1958 में, जिसका नाम था सोने की चिड़िया। इसको डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे देवानंद, अशोक कुमार, नूतन, चंदा, प्रतिमा देवी, बलराज सहनी और तलत महमूद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1966 में आई थी, जिसका नाम था पिकनिक। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मनोज कुमार, अजरा, शोभा खोटे, लता सिन्हा, रजिया सुल्ताना और बद्री प्रसाद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। शाहिद लतीफ जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1966 में, जिसका नाम था बहारें फिर भी आएंगी। इस मूवी लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, माला सिन्हा, तनुजा, मुमताज बेगम, देवन वर्मा, रहमान और जॉनी वॉकर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था जवाब आएगा। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इस मूवी लीड कास्ट में थे चांद उस्मानी, मीना राय, रविकांत, योगेश और दुर्रानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। तो ये इनकी लास्ट मूवी थी, इनके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये शाहिद लतीफ जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन बनने में कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।